इस वीडियो में मैं आपको हुआवे के नए स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ, P30 सीरीज के जो उन्होंने लॉन्च कर दिया है, और साथ में मैं आपको शाओमी का मी 9 और हुआवे का P30 का कंपैरिजन करने वाला हूँ। वैसे कंपैरिजन मैंने नहीं किया हुआ है, शाओमी ने खुद ट्वीट के जरिए किया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और चलिए सबसे पहले मैं आपको हुआवे के P30 Pro मॉडल के बारे में बताता हूं, जो टॉप एंड मॉडल है। अब ये जो हैंडसेट है, इस पर 6.47 इंचेस का स्क्रीन है, OLED कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इस हैंडसेट में EMUI 9 रन कर रहा है, जो एंड्रॉयड पाई बेस्ड है, और हार्डवेयर की अगर बात करें तो इसमें क्रीन 980 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, और ये एक 7nm चिपसेट है। रैम की अगर बात करें तो मिनिमम 6GB, मैक्सिमम आपको 8GB रैम मिल जाएगा, और रोम की अगर बात करें तो मिनिमम 128GB और मैक्सिमम 512GB अवेलेबल होगा। अभी जो हैंडसेट है, इस पर क्वाड कैमरास है, मतलब कि 40 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और एक पेरिस्कोप 8 मेगापिक्सल का कैमरा है टेलीफोटो, और TOF 3D कैमरा है। तो टोटल क्वाड मतलब कि 4 कैमरास है पीछे की तरफ, और जो फ्रंट कैमरा है वहाँ पर एक सिंगल कैमरा दिया हुआ है 32 मेगापिक्सल का। ये जो हैंडसेट है, ये 4K वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकता है। हुआवे P30 Pro में 4200 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और फास्ट वायरलेस चार्जिंग 15 वॉट्स का सपोर्ट करता है। हुआवे P30 Pro की कीमत शुरू होती है 77,000 rupees से, इंडिया में भी तकरीबन इसका प्राइसिंग वही सेम होने वाला है। हुआवे P30 की अगर बात करें तो ये एक ट्रिम डाउन वर्जन है, इसमें भी क्यूरिन 980 7nm चिपसेट का उपयोग किया गया है। EMUI 9.1 रन कर रहा है, जो एंड्रॉयड पाई बेस्ड है, इस पर लेकिन 6.1 इंचेस का OLED कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इसमें भी आपको मिनिमम 6GB रैम मिल जाएगा, मैक्सिमम 8GB रैम है, और स्टोरेज की अगर बात करें तो मिनिमम 64GB है और मैक्सिमम 256GB तक का आपको स्टोरेज कैपेसिटी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस हैंडसेट में ट्रिपल कैमराज है पीछे की तरफ, 40 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, और जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। ये हैंडसेट भी 4K वीडियोज रिकॉर्ड कर सकता है, और इसमें 3650 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 22.5 वॉट्स का। जैसे ही हुआवे ने इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया और इनका जो प्राइस है ये बता दिया था, उसके बाद में शाओमी ने ट्वीट किया था, और ट्वीट में उन्होंने कंपैरिजन डाला है मी 9 का और हुआवे P30 का। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस है थोड़ा सा अलग है दोनों में, और जो मी 9 है उसमें स्नैपड्रैगन 855 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया, जबकि हुआवे P30 में जो हुआवे का खुद का क्यूरिन चिपसेट है 980 उसका उपयोग किया गया है। वैसे दोनों ही जो चिपसेट हैं मी 9 और P30 में, ये 7nm प्रोसेस का उपयोग कर रहे हैं। अगर कैमरा की बात करें तो मी 9 में ट्रिपल कैमरा से पीछे की तरफ 48, 12 और 16 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास, और P30 पर 40 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास हैं, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों ही हैंडसेट्स पर मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका प्राइसिंग, अगर आप मी 9 का प्राइसिंग देखें तो ये तकरीबन 38,000 rupees का है, अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं, और हुआवे P30 का जो प्राइसिंग है 799 euro, जो पड़ेगा तकरीबन 61,000 के आसपास, 61,900 के आसपास। अब इन दोनों ही हैंडसेट्स का जो कैमरा है, ये आराम से एक्सीलेंट कैटेगरी में फिट हो जाएगा। जब कभी मैं एक्सीलेंट कैटेगरी का रेटिंग देता हूँ कैमरा को, इसका मतलब ये है कि जो कैमरा का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है, और आप उसे मैक्सिमम लेवल पर ले जा सकते हैं अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज है तो। अगर आपको अच्छा शॉट्स लेना है तो उसके लिए आपको स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा कैमरा आने से आपको कोई भी शॉट्स अच्छे मिल जाएंगे। तो हुआवे का P30 स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।